इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में उपनल कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार पर इससे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कर्मचारी अब आक्रोशित होने लगे हैं। इसी कड़ी में चंपावत में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दाखिल एसएलपी को वापस लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के साल 2018 में दिए गए आदेश को लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ये धरना जो हमारा आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर चुका है और हमारी वही महत्वपूर्ण जो मांगे हमारी संगठन ने रखी हुई हैं, ये आंदोलन उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो हमारी स्पष्ट और जो मांगे हैं, हमारी 5 मांगे हैं। पहला कि हमें जो है जो राज्य सरकार हमारे विरुद्ध ACP दायर किए उन्होंने न्यायालय में, तो उसे वापस लिया जाए। दूसरा जो है कि मृतक आश्रित को नौकरी दी जाए। तीसरा जो है कि 20% हमारा वेतन वृद्धि हर साल हो। चौथा जो है कि हमें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। ये महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज हमारा ये तीसरा दिन। वही बात अगर धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की करें तो यहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ उपनल संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौगान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने और उपनल कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारी महंगाई भत्ता देने और 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करने पर पद सृजित करने की मांग कर रहे हैं। हम उपनल कर्मचारी हैं और विगत 10-12 वर्षों से हम प्रदेश में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, जिसमें सरकार ने हमारी आज तक जितनी भी मांगे हैं, मतलब जो हम अभी 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो उसमें सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो नियमावली बनाई गई बनवाने के लिए कहा गया सरकार से, तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसमें उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसको अपने हाई कोर्ट के फैसले को वहाँ दोबारा से वो कर दिया बेंच पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उसको SPL को वापस लेके हमारे जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सरकार को कि इनको नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जाए और हमें जो हमारे पदों के सापेक्ष हैं हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या सरकार SLP को वापस लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के साल 2018 में दिए गए आदेश को लागू कर प्रदर्शन कर रहे इन उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती है, या फिर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदलेगा। पंजाब केसरी TV के लिए चंपावत से हरीश पांडे और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।